गाइस, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली DSSSB में वैकेंसी आई है। जो ये वैकेंसी आई है, दिल्ली सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट में ये वैकेंसी आई है। थंबनेल पर आपने जो वैकेंसीज देखा है, इन्हीं दो तीन वैकेंसीज के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। क्या आपका सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए, आखिरकार कैसे यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी और कैसे आपको पढ़ना है और पढ़ने की स्ट्रैटेजी आपको कैसी रखनी है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। बाकी बची हुई वैकेंसी वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर की जाएगी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और गाइस फैमिली कोर्ट जो सेशन कोर्ट है उसमें जो वैकेंसीज आई है। मैं यहाँ पे दो वैकेंसीज, प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसीज है और प्योन अर्दली और डाक प्योन की जो वैकेंसीज है, दोनों को मिला के जो वैकेंसीज है 102 वैकेंसीज है। और इन्हीं वैकेंसीज का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न A to Z रिलेटेड टू द सिलेबस सब कुछ डिटेल्ड में शेयर किया जाएगा। देखो यहाँ पे सबका अलग अलग यहाँ पे ये रखा है सिलेक्शन प्रोसीजर। पहले तो मैं बात करूंगा प्रोसेस सर्वर के बारे में। इसका आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद जब आप रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करोगे, उसके बाद 15 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट यानी सिंगल वैकेंसी के लिए 15 स्टूडेंट जो है वो आगे फर्दर मूव किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए और ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ड्राइविंग टेस्ट कैसे होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसीजर इस वैकेंसी का, प्रोसेस सर्वर का। ठीक है, प्योन के बारे में जब पॉइंट आ जाए बात करेंगे। पहले हम रिटन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो रिटन टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन MCQ आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, CBT आपका ये एग्जाम होगा और एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होगी, जो भी आपको सही लगता है उस पर आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम की जो लैंग्वेज है यानी पेपर की जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। यानी आपको जो पेपर दिखाएंगे वो सबसे पहले इंग्लिश में होगा, सेम ही क्वेश्चन ट्रांसलेट होकर हिंदी में होगा। तो जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उसमें आप अपना पेपर दे सकते हो, उसमें आप क्वेश्चन दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रखी है 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी है, तो गलत करने का सवाल ही नहीं होता कि आप यहाँ पे गलत करो, अच्छे मार्क्स आपको लेके आने हैं क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टाइम का कुछ बॉन्ड है वो आप देख लेना। देखो 120 मिनट मिलेगी जो फिजिकली फिट स्टूडेंट है और 160 मिनट उन स्टूडेंट को मिलेगी एग्जाम पूरा करने के लिए जो PH कैटेगरी के यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में PWBD कैटेगरी में आती है। ठीक है, ये सब चीजें यहां तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस को लेके। ठीक है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे, नीतू सिंह मैम की बुक है और ये जो है ना सारा ये प्रोसेसर वही 10th लेवल या 12th लेवल का आएगा, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो नीतू सिंह मैम की एक बुक्स पढ़ लेना। ठीक है, लुसेंट हिंदी पढ़ लेना, 25 मार्क्स का हिंदी आएगी वो लुसेंट की आप पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक्स है लुसेंट की। और गाइस जी के आप लुसेंट से देख लेना, यानी स्पीडी की बुक्स आप करंट अफेयर से देख लेना, ये सब आप देख लेना, बहुत अच्छी बुक्स के नाम मैं बता रहा हूँ। मैं खुद ये बुक जो है वो रेफर करता हूँ, यानी इन बुक को प्रमोट करने के लिए मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। ठीक है, ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस पे, आप कोई दूसरी बुक भी यहाँ पे ले सकते हो, ये नहीं कि आपको यही बुक लेनी है। अगर आप प्रॉपर बोलोगे कमेंट करोगे तो मैं फिर रिसर्च करके अच्छे से कि इन शॉर्ट टाइम में आप अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकते हो मैं फिर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ठीक है, अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन यानी मैथ के 25 क्वेश्चन। देखो यार, इसमें ना एक सबसे बड़ा लॉस है आपका, इसमें एग्जाम में रीजनिंग नहीं है। ठीक है, रीजनिंग नहीं है तो सारा चीज यहाँ पे पढ़ने वाला है, बस मैथ यहाँ पे 25 है, उसमें तो आप स्ट्रॉन्ग हो ही हो मुझे पता है। ठीक है, ये सब चीजें हैं। देखो जो जनरल स्टूडेंट है उनको 100 में से 50 मार्क्स लेकर आने हैं, बाकी जो बची सारी रिजर्व कैटेगरी उनको यहाँ पे 45 मार्क्स लेने हैं, 100 में से यहाँ पे 45 मार्क्स लेकर आने हैं जब भी आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करोगे। ये सिर्फ एक क्वालिफाई करना है, ना कि आपको यहाँ पे जो है ये शोर गारंटी है कि आपको यहाँ पे इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट के लेके जाएंगे। नहीं, क्वालिफाइंग करने के बाद आपको एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसमें जो है हो सकता है आपका नाम भी आ जाए क्योंकि उसमें देखा जाएगा किसके कितने हाई नंबर है, उसी हिसाब से यहाँ पे वो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग सब चीज वो करेंगे। ठीक है, ये चीज
फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, कोई नंबर नहीं लाने, सिर्फ एक क्वालिफाइंग होगा, वो आपको बताएंगे क्वालिफाइंग करना है। वो कैसे करना, देखो ड्राइविंग टेस्ट होगा रियल ट्रैफिक कंडीशन के ऊपर, वो थोड़ा पढ़ के जाना, रियल ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें, रेड लाइट क्रॉस, ये सब चीजें है, बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा जो कि मैं पहले से ही सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा भाई, इसमें कौन इंटरव्यू लेगा, या तो आपके फैमिली कोर्ट वाले इंटरव्यू लेंगे, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज वाले इंटरव्यू लेंगे, ये यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, 15 नंबर का है, इसमें आपको अच्छा स्कोर बनाना है, ठीक है, अच्छा स्कोर बनाना है, ये यहाँ पे कोई क्वालिफाई नहीं रखा, अच्छा स्कोर बनाना है, अच्छे स्कोर बनोगे तो आप आगे जाओगे। अब फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो भी देख लो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों के नंबर जोड़ के जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 115 नंबर में से फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है, इतना लगेगी। ये तो है आपका प्रोसेस सर्वर का। अब प्योन, डाक प्योन, अर्दली के बारे में बात करेंगे। देखो रिटन टेस्ट ऑलमोस्ट, फिर आपका इंटरव्यू, रिटन टेस्ट ऑलमोस्ट सेम, इंग्लिश 25, हिंदी 25, जीके एंड करंट अफेयर 25 और अर्थमेटिक 25, बाकी ये सब चीजें 100 नंबर का एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग सेम है, मतलब सारा ऊपर का सेम है, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें डिफरेंट है। इसमें क्या था, स्किल टेस्ट के लिए 15 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट जाते थे, लेकिन इसमें इंटरव्यू के लिए 10 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट जाएंगे और इंटरव्यू 15 नंबर का होगा। प्योन के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट है, स्किल टेस्ट को हटा दिया गया है, बाकी यहाँ पे सब सेम है, ठीक है, इंटरव्यू 15 नंबर का होगा और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यहाँ पे आपके इंटरव्यू लेंगे। कोर्ट में कैसा इंटरव्यू होता है वो मैंने पहले से ही बता रखी है वीडियो में, अच्छे से मैंने बता हुआ है, 3-4 वीडियो मैंने 20-20 मिनट की वीडियो डाली हुई है और सेम वो भी पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते भाई। प्योन से यूपीएससी के बारे में थोड़ा ना पूछेंगे, प्योन से प्योन के बारे में पूछेंगे, तो जिसके पास भी हल्का फुल्का एक्सपीरियंस है तो समझ लो इंटरव्यू में उसकी चांदी ही चांदी, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है मुझे रेफरेंस मिल जाएगा। हालांकि रेफरेंस डिपार्टमेंटल स्टूडेंट को भी मिलेगा जो पहले से ही किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कॉन्ट्रैक्टर वहां पे काम कर रहे हैं, एज ए प्योन काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। कुछ डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।